सिटीजन स्कूल में मैं एज ए डायरेक्टर एज ए ओनर काम कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये स्कूल हमारा प्ले से लेकर मैट्रिक तक है और हर साल बच्चे बोर्ड में भी नुमाया पोजीशन और कामयाबियाँ लेकर आते हैं। तो ये हमारा सालाना एक तकरीब होती है जिसमें बच्चों का रिजल्ट के साथ इनकी सेरेमनी भी है, जिसमें टैबलो हैं, उसमें तकरीर हैं, स्पीचेज़ हैं और बहुत सारे इवेंट्स जो है ना बच्चे उसमें परफॉर्म करते हैं। तो ये बच्चों को हौसला अफजाई के लिए, इनक्रेज के लिए, इंटरटेनमेंट भी है उनकी, और इनको अवार्ड भी दिए जाते हैं और ज़हीन तलबा में वो स्कॉलरशिप भी हम देते हैं उनको और उनको रिवार्ड भी देते हैं। मेरा नाम अशद खानून है, मैं सिटीजन ग्रामर हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मेरे एसएससी एग्जामिनेशन पे 2022 में हाईएस्ट मार्क्स आने की वजह से मेरे स्कूल ने मुझे कंट्रीब्यूट किया है, मतलब मुझे इनाम दिया है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे टीचर्स की मेहनत थी और उन सब का नतीजा था कि जिसकी वजह से मैं इस मकाम पर पहुँची हूँ। बच्चों को ग्रुप वर्क कराया जाता है, चीज़ों का इस्तेमाल सिखाया जाता है कि चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है, चीज़ों को वेस्ट नहीं करना और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और बाकी जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें बच्चों का जो हमने कॉन्फिडेंस देखा है, उनका जो लेवल देखा है, ये सारा टीम वर्क तमाम टीचर्स का बहुत अच्छा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों ने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है कि हम इस इदारे के टीचर हैं। परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही है और हमें हम सब ने मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आई होप गेस्ट ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था और हमारा एनुअल प्रोग्राम था तो दैट वाई मतलब ज़बरदस्त रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, साइंस एग्जीबिशन करवाए जाते हैं जिसमें वो खुद कुछ करके और उससे सीखते हैं। तो ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे बच्चे ज़रूर आगे जाके कुछ बनेंगे और मुझे भी बहुत यहाँ पे सीखने को मिला है अपने प्रिंसिपल से, यहाँ के स्टाफ से। मेरा नाम ईमान आलम है और मैं क्लास के जिट्टी में पढ़ती हूँ। आज मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। सिटीजन ग्रामर स्कूल जो है वो नाम ही काफ़ी है बच्चों के लिए। यहाँ पे तालीम और हर किस्म की तवज्जो दी जाती है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा के बच्चों के लिए पढ़ाई को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनाया जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि आज बच्चों ने जो परफॉर्म किया है वो हमारी भी मेहनत थी, बच्चों की भी साथ थी और सारा स्टाफ पूरा टीम वर्क था, ये किसी एक बंदे का काम नहीं था। लेकिन बच्चों ने जो कॉन्फिडेंस शो किया उस पर मुझे प्राउड है और अपने स्कूल पर बीइंग अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती हूँ।